सो दोस्तों, मैं हूं प्यारे गेमर और आज मेरे पास है आईफोन 12। और जैसे कि ये एक पावरफुल प्रोसेसर वाला फ़ोन है, सो आज इसमें हम गेमिंग टेस्ट करेंगे, इसके डिस्प्ले कैमरे के बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में, और कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और इसके सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। और जो कि मेरे पास आईफोन 12 फर्स्ट टाइम आया है, तो मेरा एक्सपीरियंस इसका अलग होगा, मतलब कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो इसमें पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है एप्पल का A14 का चिप लगा है, बायोनिक चिप। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आईफोन 12। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो ग्लॉसी लुक के साथ मेरे पास ये फ़ोन है। सो सबसे पहले हम इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करेंगे। तो फ़ोन के राइट साइड में एक पावर बटन है फ़ोन को ऑन ऑफ करने के लिए। फ़ोन के नीचे साइड में एक लाइटनिंग पोर्ट है और एक सिंगल स्पीकर है, और एक स्पीकर है ऊपर में, मतलब कि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है। फ़ोन के लेफ्ट साइड सिम ट्रे ग्रिल है जो कि हम निकाल के देखेंगे, और वॉल्यूम अप डाउन बटन है, अलर्ट स्लाइडर है, ऊपर के साइड में कुछ नहीं है। फ़ोन के बैक साइड का कैमरा मॉड्यूल देख सकते हो, दो कैमरे के साथ एक फ्लैश लाइट है, और यहाँ पर एक माइक्रोफोन है, और फ़ोन के बीचों बीच ये एप्पल का लोगो जो कि इस फ़ोन को और भी ज़्यादा शानदार बनाता है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिख रहा है बैक साइड से, और फ्रंट में एक इतना बड़ा नॉच है। तो यहाँ पर भी एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक स्पीकर है, और इसमें एक फेस आईडी का सेंसर भी है। इसमें iOS वर्जन 16 है, और ये जो मेरे पास वेरिएंट है वो 128 GB वाला वेरिएंट है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है इसकी। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो एप्पल का A14 बायोनिक चिप है, हेक्सा कोर प्रोसेसर, फास्टर देन फास्टर है। सो इसमें डबल स्टोरी स्पीकर का सपोर्ट है, तो देखते हैं कितना लाउड साउंड आता है इसका। और इसमें 6.1 इंच की सुपर रेटिना डिस्प्ले है, और इसमें 60Hz का पैनल है। सो हमने इसमें ओपन कर लिए है गरेना फ्री फायर, और यहाँ पर सेटिंग में चले जाते हैं, और इसका ग्राफिक्स मैं दिखा देता हूँ आपको डिस्प्ले में जाके। तो सब कुछ हाई में है, हाई सेटिंग में है, जैसे कि यहाँ पर ग्राफिक्स में अल्ट्रा है, हाई FPS ऑन है, शेडो ऑन है, और फिल्टर में ओशन में शिफ्ट है, और हाई FPS में को मैंने हाई में कर दिया है। सो मैंने इसमें गरेना फ्री फायर में लोन वोल्फ का गेम प्ले स्टार्ट कर लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना स्मूथ गेम प्ले चलता है और कितने स्मूथ गेम प्ले नहीं चलता है। और जस्ट इसके गेमिंग टेस्ट, मतलब कि ये लोन वोल्फ के गेम प्ले के बाद इसका कैमरा टेस्ट भी है, तो उसको भी वॉच जरूर करना, क्योंकि आईफोन का जो कैमरा रहता है वो सच में नेक्स्ट लेवल का रहता है। डुअल स्नैपर लिया है बंदे ने, यार डबल स्नैपर लिया है। एक राउंड तो मैंने मारा था, उसको ये नहीं पता कि प्यारे गेमर डबल स्नैपर से बहुत ज़्यादा तगड़ा खेलता है, लेकिन नहीं यार, मैं तो सिंगल स्नैपर है। मैं भी कभी कभी कौन से नशे में डूब रहता हूँ तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर गाइस खतरनाक सा गेमिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो खतरनाक जी गेमिंग के साथ साथ खतरनाक रिव्यू भी होगा। मैंने इसमें खेला काफ़ी ज़्यादा शानदार, इसकी सेंसिटिविटी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, जो आईफोन 13 प्रो मैक्स में है, थोड़ा बहुत मतलब कि 5% बस कम सेंसिटिविटी होगी, लेकिन उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स है और उतना ही तगड़ा गेम प्ले है, मतलब कि स्मूथ है, और लैग तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ना फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फ़ोन बहुत स्मूथ चल रहा है। आईफोन है और तुमको तो पता है आईफोन की क्या क्वालिटी रहती है सेंसिटिविटी और गेमिंग में। फ्री फायर ही नहीं, आप तो कोई भी गेम इसमें ट्राई कर सकते हो, हाई सेटिंग में बहुत स्मूथ चलेगा। बहुत अच्छी बात है ये कि आईफोन है मेरे पास आईफोन 12, जिसमें A14 का बायोनिक चिप लगा हुआ है। A14 का बायोनिक चिप भी बहुत ही ज़्यादा शानदार रहता है, काफ़ी ख़तरनाक रहता है। 5 राउंड मैंने उसको मार दिया हूँ, बहुत ही शानदार बुया हुआ मेरा। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, वीडियो पसंद आती है तो। फ़ोन के कैमरे की बात करते हैं, तो आपको फ़ोन के बैक साइड में 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो मोड में आप देख सकते हो 4K में 24 का FPS है इसमें सपोर्ट, और 30 FPS है और 60 FPS है, और HD में 60 FPS और 30 FPS फ्रंट में, और जितना कुछ इसमें बैक में FPS सपोर्ट है 4K में और HD में, वैसे ही सेम टू सेम बैक साइड में भी है और फ्रंट साइड में, दोनों में सपोर्ट है। आईफोन 12 के कैमरे से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है
4K 60 FPS और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। आप देख सकते हो कलर और सेचुरेशन और जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो मैंने इस फ़ोन के प्रोसेसर, परफॉर्मेंस, कैमरा के बारे में बात की और इसमें हमने गेमिंग टेस्ट भी किया और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, फ़ोन के सभी फीचर्स के बारे में बताया और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा भाई, फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। यहाँ पर मैं खुद ही इसे पहले से भी यूज़ करते आ रहा हूँ, बट आईफोन 12 नहीं, आईफोन 13 प्रो मैक्स है मेरे पास। सो यहाँ पर ये फ़ोन बेस्ट फ़ोन है गेमिंग के लिए भी और यूज़ के लिए भी। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू बेल आइकन पर सेट कर डाला, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे। क्योंकि मैं ऐसी अनबॉक्सिंग की वीडियो और फ़ोन के रिव्यू और फ़ोन के फीचर्स के बारे में बहुत कुछ लेके आता हूँ। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।